नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे EPM सिवान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस पर वीडियो पार्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक की व्याख्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि CC है क्या। CC ठीक है, CC1, CC2, BEd का करिकुलम है, ये ऐसे रहता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोर करिकुलम, कोर पाठचर्या। ठीक है, कोर पाठचर्या एक ऐसी पाठचर्या है जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं, अन्य ऐच्छिक होते हैं। यानी कि कोर पाठचर्या ऐसा विषय है जिसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और अन्य ऐच्छिक होते हैं। तो ऐच्छिक विषय जो होते हैं, देखिए अनिवार्य विषय क्या होते हैं, तो अनिवार्य विषय प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होते हैं, जबकि ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचि यानी कि व्यक्तिगत रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐच्छिक कर दिया जाए गणित को, ठीक है, क्लास 10 में क्या होता है कि मैथ्स रहता ही है और उसमें एक एडवांस मैथ होता है, एडवांस, ठीक है, तो उसको एक छिक में रखा जाता है एडवांस मैथ को, तो जिसको लेना है वो लेगा, जिस बच्चा की इच्छा है उसको उसमें रुचि है और क्षमता है उतना कि वो जो जनरल गणित होता है करिकुलम के अंतर्गत उसके साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स यानी कि एक्स्ट्रा गणित को भी कवर कर सके तो वो ले सकता है। और भी बड़े कक्षाओं में ऐच्छिक विषय होते हैं, इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं, आपके BEd DLED में है और भी सभी कक्षाओं में होते हैं। तो अनिवार्य विषय सबको लेना होता है, सभी छात्र के लिए अनिवार्य होता है। ऐच्छिक विषय जो है का चुनाव करने के लिए स्टूडेंट बच्चे स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए कोर पाठचर्या के लाभ, ठीक है, कुछ लाभ हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला लाभ है यह पाठचर्या बाल केंद्रित होती है, कोर पाठचर्या जो है बाल केंद्रित है। और दूसरा है बालक को विद्यालय विषय का ज्ञान प्राप्त होता है इससे। तीसरा, जिंदगी के हर क्षेत्र में जरूरी और लाभदायक है, बड़ों एवं बच्चों में संघर्ष को कम करता है, इसका विशिष्ट पैटर्न होता है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास इसके द्वारा होता है, कोर पाठचर्या के द्वारा, कोर कोर्स के द्वारा। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो संबंध होता है वो इसके कोर पाठचर्या के चलते घनिष्ठ संबंध बनता है। अब इससे जो है कोर पाठचर्या से हम लोग हानि को समझ लेते हैं, कोर पाठचर्या से क्या क्या हानि है, ठीक है, लाभ है तो हानि भी है। दो या दो से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र अनुपयोगी है, यहाँ पे मार हो गया, भार होगा, मिसप्रिंट है, ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुपयोगी है कोर पाठचर्या, कोर करिकुलम। विषय वस्तु का चुनाव मुश्किल है, समायोजित ज्ञान की कमी है इसमें, आवश्यक विषय सामग्री की कमी की प्रवृत्ति पर बल कोर करिकुलम में। क्या ये जो था हानि, मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आप लोगों को कोर पाठचर्या के बारे में जानकारी दी गई, आपको इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।